हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमको जाना है दिल्ली और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। और अभी मैं बता कहाँ जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करने के लिए। लास्ट ब्लॉग में हमें देखा था, हम लेके आए थे, वो छोटे हो गए हैं। अब सुबह सुबह जाना पड़ रहा है वापस करने के लिए। पता नहीं शॉप खुली भी होगी या बंद होगी। मम्मी कह रही है जा करवा के ला चेंज। चलो ना चलते हैं, अभी मजा आएगा ना बिडू। ये कपड़े लेके आया बिना ट्राई करे तो अब वहाँ ट्राई करियो। हमेशा ऐसे ही होता है, कपड़ों में वापस जाना पड़ता है। कोई पसंद नहीं आते, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। इतनी सुबह सुबह कौन खोलता है दुकान यार? कम से कम 10 या 11 बजे तो खोलते होंगे दुकान। 9 बजे भेज दिया मम्मी ने हमको। मार्केट तो खुल गई यार, अपन ही लेट है। मतलब कौन सी शॉप थी वो? ये थी क्या? पक्का ये थी? अरे कल हम कपड़े ले गए थे ना, वो छोटे हो रही है, इसको पैंट चेंज कर दो, बड़ी दे दे थोड़ी। जो ये है ना, ये छोटी हो रही है, और ये भी छोटी हो रही है, ये भी बड़ी दे देना। अभी जाना है हमको दिल्ली, इसलिए जल्दी जल्दी सुबह सुबह आना पड़ा। ठीक है, थैंक यू सर। तो काम तो हो चुका है, सारी मार्केट खुल गई यार। मेरे को लग रहा था नहीं खुलेगी, मैं फर्स्ट टाइम आया इतनी जल्दी मार्केट में। सुबह सुबह आधा टाइम तुम्हारा यहीं वेस्ट हो गया। अब चलते हैं जल्दी घर, नहाए भी नहीं अभी तक। जाके नहाएंगे, तैयार होएंगे, पैकिंग तो मैंने कर ही ली थी, फिर चलते हैं दिल्ली। जल्दी उतरो, जल्दी नहाते हैं। तो गाइस अभी तो अपन नहा धो के रेडी हो चुके हैं अच्छे से, पीयूष भी हो चुका है, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ। और पैकिंग भी हो चुकी है, देखो इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें कैमरा और लैपटॉप वगैरह है, तो चलो चलते हैं। और ही क्या कर रहा है बिलाल? खाना खा रहा है, चल चलते हैं, आ जा। फोन कहाँ है मेरा? फोन जेब में ही नहीं है मेरे, चार्ज पे लगाया था यार। वही तो मेरे को याद आ गया था, इसलिए मैंने बेइज्जती हो जाएगी। आ जा चल चल, तू ही ढूंढ रहा था, मैं भी ढूंढ रहा था भाई, एकदम से याद आया। वही फोन, तो फोन से तो वीडियो बन रही है। मतलब मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, और उसी फोन से वीडियो बन रही है। तू क्या कर रहा है? आप खाने लगे? चलो हम दिखाते हैं जल्दी। चलो अभी हम इसको जल्दी से निकाल देते हैं। तेरा बैग भी ले आ, रुक मैं ले जाता हूं। कहां है तेरा? बड़ी में पैकिंग कर रही है अभी पैकिंग कर रही है, अभी तक कर ही नहीं है। चलो आप जाओ, मैं इतनी गाड़ी में बैठता हूं। साहिल और पीयूष तो हमेशा लेट करते हैं, हमेशा। मेरे को 1 घंटे ज्यादा हो गए रेडी हुए हुए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को 5 मिनट में लगे तैयार होने में। जल्दी से टी शर्ट जल्दी से डाले कपड़े, 1 मिनट के अंदर। अभी पता नहीं किसका बैग लेके आ रहे हैं, किसका बैग ला रहे हैं। तो रेडी हो सभी दिल्ली जाने के लिए? तो फिलहाल निकल रहे हैं हम। तो अभी गाइस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिल्ली जा रहे हैं वो भी खुद की गाड़ी में, वो भी खुद चला के। एंड सोनू भैया आए हमारे साथ में। तो अभी हम आए पेट्रोल पंप, एक तो टंकी फुल करानी है, ऊपर से इसका पोल्यूशन कराना है। तो प्रदूषण अभी बनेगा नहीं, बिकॉज अभी इसकी RC वगैरह ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन जब होगी उसके बाद होगा। चला लेगा ना पक्का? चला लेंगे यार, खाने के लिए कुछ ले लेना है। इसको खाने की पड़ी रहती है, तू देख मेरा ड्राइवर, देख मेरी, तू मेरी ड्राइवरी देख, तू मेरी। तो गाइस अभी हमारे अराउंड 100 किलोमीटर हो चुके हैं और मैंने ड्राइव किया, काफी अच्छा लगा। बिल्कुल मेन हाईवे पे दिल्ली पहुंच सकते हैं, यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर बाकी है, बट जाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमको जाना है KMP पे, सीधा बाईपास चलेंगे, दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे। कैसा लगा वैसे मैंने ड्राइव किया? बहुत मजा आया। तो गाइस हमारा अभी बहुत बड़ा पंगा हो चुका है, जो K2K वाला रोड है वो पूरा बंद पड़ा है, जो हाईवे वाला। अब हमको जाना पड़ेगा सीधा बहादुरगढ़ दिल्ली, और वहां पे जो बॉर्डर है वो ही बंद कर रखा किसानों ने। तो पता नहीं हम कहाँ से घूम फिर के जाएंगे, ट्रैफिक में दिल्ली जाना पड़ेगा मुझे। तो देखते हैं मुझे चल पाती या नहीं चल पाती, बाकी नहीं चलेगी तो फिर भैया को दे दूंगा, भैया चलाएंगे। परीक्षा की घड़ी है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अराउंड 2-3-4 घंटे हम लेट होंगे अब। तो गाइस अभी सौरदा बिल्कुल ट्रैफिक में चलाते हुए गाड़ी, और सोनू भैया इनका रास्ता दिखा रहे हैं। देखो किसान, देखो सौरदा कहते सारे। हाँ ये सारे किसानों के हैं। अभी 13 किलोमीटर और चलते रहने सीधा, कौन से गियर पे? पहले गियर पे चला रहे हो। तो गाइस अभी फॉरवर्ड हो चुका है, आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था, तो अब हम जा रहे हैं अंदर कॉलोनी से। पूछ लो यार किसी से, इतने कहते रहे थे आगे यहाँ से घुमा के ले जाओ, कॉलोनियों में से जाना पड़ेगा। चल भाई चल चल चल, पूछ तो लो तुम्हें। पूछा ही तो है हमने। इतने पतले रोड है, सिर्फ एक गाड़ी आ सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, और चला कौन रहा है? सौरदा। जो भी गाड़ी सीख रहे चलानी। फिर भी गाइस सौरदा में हिम्मत तो है, ले गए यहाँ घुसा दी। कहाँ जाना है? सीधा सीधा दिखा रहे रास्ता। भाई परिश्रम बहुत करना पड़ रहा है। फंस गए हाँ, फंस गए। तो गाइस बहुत बड़ा पॉपअप हो चुका है हमारा, बहुत बड़ा, क्योंकि हम पता नहीं किसी गांव में घुस चुके हैं, और इतनी पतली पतली गलियां हैं, मैं निकाल रहा हूँ। पकड़ जल्दी पर। तो गाइस आज सौरदा की अग्नि परीक्षा होगी, नकली है ये गूगल मैप। सौरदा आप ही हो गए मास्क के पीछे?
मैं ही हूँ भाई। अच्छा सरदार इसको ओवरटेक करते हुए। तो गाइस बात ऐसी है, हमारे आगे चल रही है फॉर्चूनर, ठीक है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ जा रही है। पकड़। ये गुम नहीं होनी चाहिए फॉर्चूनर, ठीक है। ये जा रहा है दिल्ली, कोई जा रहा है रास्ता, सब दिल्ली ही जा रही है। देखो ना गाइस कितनी धूल उड़ रही है, ये गाड़ी तो बॉल बन गई। लोग हिल जाएगा सिर, वीडियो देख के ना इतना हिल रहा है इसमें भाई, कैमरा टिक नहीं रहेगा। गाइस सावधान। तो गाइस ये देखो कैसी रोड है, बिल्कुल धूल ही धूल उड़ रही है, पता नहीं किधर आ गए अभी हम, खेतों में पता नहीं। तो गाइस ये देखो साइड में कितनी बड़ी लाइन, और सिर्फ हमारा रास्ता ही खाली है। अभी कितनी लंबी लाइन है, कितने पहले से आ रहे हम यही। वाह भाई वाह। ये देखो गाइस, ये देखिए कितना चैन मिल रहा है सरदा, बहुत मजा आ गया। मतलब दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, मेट्रो दिख रही होगी आपको। हाँ ऊपर मेट्रो लाइन है पूरी, खुली खुली रोड, 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तीसरा गियर लगा पड़ा है। ये बताना जरूरी नहीं है कौन सा गियर लगा है, कौन सी स्पीड में भाई? नहीं मतलब भाई अभी स्पीड में है हम, बताना जरूरी है भाई। कितना मजा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही चल रही है, उबड़ खाबड़ में तो ऐसा हो गया भाई। क्लच में पैर था मेरा, ब्रेक में पैर था मेरा, यहाँ सिर्फ रेस में पैर है। सरदा कैसा लग रहा है सामने, दिखा कैसा लग रहा है? ओ भाई पुलिस है सामने, ये देखो गाइस सामने पुलिस, इधर ये, इधर ट्रक, इधर ट्रक, इधर सामने पकड़ पकड़। तो गाइस आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना ट्रैफिक है, और एक बात अच्छी है कि सरदा गाड़ी चला रहे हैं। ये जो स्कूटी वाला है ना, इसने फंसा रखी है बीच में, नहीं तो मैं उन पुलिस वाले अंकल के पीछे था। देखो इधर भी बस है, इधर बीच में फंस गए हम ट्रैफिक में, इतनी देर से फंसे हुए। बट एक बात सही है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, अराउंड 2 घंटे से प्रैक्टिस हो रही है, मैंने कहाँ कहाँ घुसाई, इधर बस है, उधर बस है, इधर ये, इधर ये। तो गाइस अभी हम सारा ट्रैफिक पार करके आ चुके हैं, सरदा ने मस्त चला एकदम ट्रैफिक में भी। रोहिणी पहुंच चुके हैं, रोहिणी मतलब 5 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी हमने सर को बुलाया जिनके घर पे हमने जाना है, हाथ तो बिल्कुल साफ हो गया, ऐसे कॉन्फिडेंस तो ऐसे आ गया, मतलब क्या ही बताऊं मैं, गंदा नहीं था आज तो। मैंने कहां कहां बाड़ दी, मतलब मैंने कहां कहां बाड़ दी। क्या नाम है आपका? अच्छा बैक करके लाए हो, तो चलो गाइस चलते हैं। अब सर भी आ चुके हैं, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा कि मैं दिल्ली में चलाऊंगा, वो तो ऐसा हुआ कि नहीं जा पाए, वो हाईवे बंद था, इसी बहाने एक्सपीरियंस हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है कहते हैं ना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, पहुंचते हमको कुछ सब्सक्राइबर मिले छोटे छोटे, से हाय। बाय द वे गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, देखना कीचड़ में, ये देखो। अरे बहुत खतरनाक जगह पे गई थी। चलो बैग बुक निकालो। अरे हाँ बैग बुक तो निकालो। हाय नीरज, वो कहाँ है, गोल्डी कहाँ है? तो अभी 5:30 हो चुके हैं, पूरे 6.5 घंटे लग गए हमको, और अराउंड 6 घंटे राइड किया मैंने, सॉरी ड्राइव किया। खेत, उबड़ खाबड़, रेत, ट्रैफिक, किसान आंदोलन, हाईवे, मार्केट, सब जगह से निकाल दी। थैंक यू। पहले थोड़ी थोड़ी चाय बना दो ना। चाय जरूरी है। और सब बढ़िया भाई साहब? मेरे पैरों का जो हाल हुआ है ना, क्लच दबा दबा के इतनी ट्रैफिक में, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ घुटने में, हो रहा है यहाँ तगड़े वाला भाई। 6 घंटे कम नहीं होते, तुम सोच रहे हो मैंने चला के, इसलिए भाई अपने चला के दिखा दी। तो अभी पहले तो चाय पी रहे हैं, इसके बाद खाना खाएंगे, बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सुबह बस एक परोठा खा के आया था मैं। तो फाइनली अपना खाना आ चुका है, राजमा दही रोटी। तो अभी हम सब तो खाना खा रहे हैं, बट पीयूष नहीं आया, पीयूष का खाना यहाँ पे रखा हुआ है, वो बच्चों के साथ में लगा हुआ है गेम में। आते ही रास्ते पर कहते हैं मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, यहाँ आते ही गेम पे लग गया। क्या है खाना खा ले चुपचाप, देख तो गेम तो घर पे खेलता ही है, ठीक है, अब यहाँ के भी गेम खेलेगा, थोड़ा घूम फिर यहाँ देगा। तो गाइस अभी हम खा पी के निकल गए, थोड़ा बहुत बाहर वॉक करते हैं, देखते हैं कैसी सोसाइटी है यहाँ पे, बिल्डिंग्स वगैरह हैं आसपास, तो चलो क्योंकि फुल हो चुके हैं और थोड़ा बहुत वॉक करना जरूरी है। यहाँ पे चारों तरफ सेम बिल्डिंग्स है, देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, समझ में नहीं आ रहा क्या है कहाँ पे, है ना, कोई खो जाएगा भाई, समझ में नहीं आएगा कौन सा घर है ना। तो हम तो फर्स्ट टाइम आए इस टाइप की किसी सोसाइटी में, सुबह एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, अभी अंधेरा हो रहा है ना, अच्छे से दिख नहीं रहा, सुबह दिखाएंगे। हाँ चारों तरफ सेम लग रहा है, बीच में पार्क भी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भी गेम में लगा है, ये भी गेम में लगा है, इसके पास फोन नहीं है, मम्मी जी के फोन में खेलता था घर में। तो ये तो बात ऐसी है, खाना पीना खा के हम थोड़ा बहुत बाहर गए थे घूमने के लिए, अंधेरा हो रहा था ज़्यादा शूट नहीं किया, या आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लिया था इन्होंने, और फिलहाल मेरी आंखों में जलन हो रही है, पता नहीं क्यों, मैंने 6 घंटे ड्राइव किया था तो हाँ, और हाँ दिल्ली में ड्राइव किया, अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे ड्राइव करना अच्छे से आ गया है, परफेक्ट नहीं लेकिन अच्छे से आ गया, क्योंकि दिल्ली में ड्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कितना ट्रैफिक होता है, और मैं पूरा वहाँ से लेके आया हूँ हांसी से दिल्ली तक यहाँ तक। तो बात ऐसी कि मेरे को गाड़ी का काम भी कराना है, एक दो दिन बड़ी गाड़ी का काम होगा,
उसके बाद कितने दिन रुकेंगे यहाँ पर? अराउंड हम 4-5 दिन या फिर 3-4 दिन तो आराम से रुकेंगे यहाँ पे, तो एक्सप्लोर करेंगे और मॉल जाएंगे कह रहे हैं, मॉल भी जाएंगे। एनीवेज मेरे को इतनी थकान लग रही है ना इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं इतनी ड्राइव करी, मतलब मज़ा आ गया। लेकिन अब मैं मतलब कहीं भी ले आ सकता हूँ गाड़ी को। मैं सौरदा के साथ कहीं भी जा सकता हूँ बेझिझक। हाँ मैं भी जा सकता हूँ, मतलब अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह से निकाली है ना आज। आपने वीडियो में देखा है वो कितनी पतली पतली रोड, ट्रैफिक, खड्डे, कीचड़, पता नहीं कहाँ, मतलब मजा आ गया। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, और बस नेक्स्ट व्लॉग देखना, काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। दिल्ली के थोड़ा बहुत घूमेंगे यार। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मार दे हाथ। पिछले सोच रहा होगा ना कि मेरे पास भी होता काश, मैं भी खेलता इनके साथ में ना। अभी खेल इधर आ जाए, इसमें खेल रहा था। अच्छा इसको दे रहे हो तुम? हाँ, एक एक मैच करके खेल रहे हो। अच्छा एक एक मैच खेल रहे हो, चलो बढ़िया है।